आलू की सब्जी। आलू की सब्जी तो आपने बहुत खाई होंगी या बनाई भी होंगी, लेकिन मैं ऐसी एक सब्जी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो आपको लहसुन की ज़रूरत है, ना प्याज की और ना टमाटर की। उस इन ये तीनों चीज़ें वैसे भी आजकल बहुत महंगी हो रही हैं, इनके बिना ही आप बहुत ही अच्छी टेस्टी आलू की सब्जी बना सकते हैं। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, इन्हें काट कर धोकर और मीडियम साइज़ थोड़े पतले मैंने काटे हैं, काट कर रख लिए हैं। हमें इसके लिए थोड़े से ही मसाले चाहिए, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च मैंने मोटी काट ली है और कुछ करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता। तड़के के लिए सिर्फ मैं लूँगी मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज। तो चैलेंज ये है कि इन पांच चीज़ों को यूज़ करके मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनानी है जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तेल आप लोग देख सकते हैं गरम हो गया है। मैं पहले इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज डाल देती हूँ। जब ये कड़कने लगे थोड़ा सा, तो इसमें करी पत्ता को बस बीच में से तोड़ के और डाल देना है। जैसे ही थोड़ा सा करी पत्ता क्रैकल होता है, उसके ऊपर से हरी मिर्ची डाल दीजिए जो काट के रखी है मोटी मोटी। फिर आपने आलू डाल देने हैं। अभी हमने हल्दी नहीं डालनी है डायरेक्ट तेल में, नहीं तो वो जल जाएगी। पहले हमने आलू डालने हैं सारे। आलू डाल के पहले हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। थोड़ा ऊपर नीचे मसालों को, जो हमने साबुत मसाले डाले हैं, उन्हें कोट होने देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से ये कोट हो चुका है करी पत्ता और सरसों के साथ। अब मैं इसमें अपने सूखे मसाले, सिर्फ दो हैं, नमक और हल्दी, इसके अलग मैंने कुछ नहीं लिया है। ये सब्ज़ी इतनी जल्दी रेडी होती है कि आपको यकीन नहीं आएगा, और जितने ज़्यादा आलू होंगे उतनी ही जल्दी बनेगी। 5 मिनट बहुत हैं इसके लिए। और हल्दी डाल दीजिए, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये सूखी है और इसमें कोई और किसी और मसाले का कोई कलर भी नहीं है, तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि मैं इसमें येलो कलर चाहती हूँ। अब अच्छे से हल्दी और नमक को मैंने इसमें कोट कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे, ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देंगे। 2 या 3 मिनट बहुत हैं, आँच कम करके आप इसे छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं गल चुकी है सब्ज़ी हमारी। तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, अब मुझे ऊपर नीचे पलट लीजिए, लेकिन मुझे हल्का सा इसमें फ्राइडली कोटेड चाहिए आलू, मुझे थोड़े फ्राइड चाहिए उसके सरफेसेस। ये सब्ज़ी आप पूरी के साथ या पराठों के साथ खाएं, दाल हो, अगर चपाती है तो आप दाल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में देने के लिए बेस्ट है। मैंने प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी, आलू की सूखी सब्ज़ी कितनी यम्मी और टेम्पटिंग लग रही है। आप इसको बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको सब्ज़ी आलू की कैसी लगी। थैंक यू।